यो 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 गाइस, तो आप देख रहे हैं वरुण सच्चे गेमिंग। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम एंड हेलो मेरे दोस्तों। सो गाइस, आज की वीडियो हमारी है पीसी बिल्ड के बारे में। जैसे आपने पिछले व्लॉग में देखा, मैं कुछ पीसी के कंपोनेंट्स लेके आ रहा था, ठीक है। तो आज हम वही कुछ कंपोनेंट्स मैंने आपको दिखाए, कुछ नहीं दिखाए, तो उसमें हम पीसी बिल्ड करेंगे, ठीक है। एंड गाइज, एंड अगर आप भी गेमर हैं तो इस वीडियो को एक तो एंड तक देखना, ताकि आप भी बड़े आराम से बिल्ड कर पाएं पीसी, ठीक है। एंड इस वीडियो को लाइक कर देना, नीचे कमेंट कर देना कैसी लगी वीडियो। एंड गाइज, जो जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को ऑल पे कर दो। मैं बहुत बकचोद इंसान हूँ, ठीक है, मज़े पूरी एंटरटेनमेंट मिलेगी इस चैनल पे एंड बहुत सारी गेम्स भी। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट आइटम है तो ये रैम, ठीक है, XPG GameX D30 DDR4 मेमोरी 8GB 3200 MHz, ठीक है। तो गाइज इस मेमोरी की हम सील तोड़ते हैं अभी, ठीक है। इससे अगर टूटती है, नहीं टूटेगी इससे, तो गाइस चाकू की ज़रूरत पड़ी गई हमें आखिरकार। तो इसकी सील आपके सामने हमने ब्रेक की है, ठीक है, अभी। एंड आपको दिखाता हूँ अंदर से दिखने में कैसी है ये, ठीक है। ये गाइस, तो ये ऐसी है कुछ दिखने में, आप देख पा रहे हो। ये अभी इसमें से अनबॉक्स नहीं करूँगा मैं, ठीक है, अभी। तो ये कैसी लग रही है दिखने में, तो गाइस कैसी लग रही है। तो गाइस हमारा अगला आइटम है ये प्रो डॉट का माउस, ठीक है। तो ये माउस है, ठीक है। एंड ये पीछे से ऐसा है कुछ दिखने में। एंड इसको अभी खोलते हैं, कैसे खुलता है ये चीज, है ना, एक मेरे को खोलनी नहीं आती अनबॉक्सिंग में, थोड़ा मैं कच्चा हूँ गाइस अभी, ठीक, समझ रहे हो। तो ये माउस है, ठीक है, ये गेमिंग माउस है आई गेस, या नहीं भी हो सकता, क्या पता। ये मेरे पास मैंने लिया वैसे, अभी जो मिल गया ले लिया गाइस। तो गाइस अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, कंपोनेंट की तरफ, जो कि है ग्राफिक एंड कार्ड। तो गाइस ये है हमारा सस्ता ग्राफिक कार्ड, ठीक है, ये देख लीजिए आप, ये ऐसा है कुछ दिखने में, नाम था दासुदा। एंड ये है गाइस Zotac GeForce GT 730, एनवीडिया से आता है ये, ठीक है। 2GB का DDR5 है ये, लो प्रोफाइल एंड ओपन GL 4.4 फिजिक्स बाय एनवीडिया। एंड इसका प्राइस जब मैंने लिया था, पता नहीं कितना था, ये पुराना पड़ा था मेरे पास, बट ये यहाँ पे MRP इसका 7000 के कुछ आसपास है, ठीक है, अभी तो सस्ता हो गया होगा ये। एंड इसको कहाँ से खुलेगा, ये खुलेगा इधर से, तो इसको कुछ ऐसे खोलेंगे गाइज हम, ठीक है। ये खुल गया एंड ये भी खुल गया। तो गाइज फाइनली ये हमारा ग्राफिक कार्ड है। तो ये कैसा लग रहा है गाइज दिखने में आपको, टीचू तो ये अभी हम साइड पे रख देते हैं अभी के लिए, अगले सीन पे आ गए हैं। एंड गाइस अभी हम दिखाएंगे आपको गेमिंग माउस पैड। एंड ये है कुछ दिखने में, एंड देखो सेक्सी। तो गाइस देखिए हमारा गेमिंग माउस पैड, ठीक है। एंड ये इसका कुछ डेंस रेटिकुलर सर्वे, ये पॉज करके पढ़ लेना अगर पढ़ना, ठीक है, मैं इतनी बकचोदी नहीं करूँगा, सॉरी। एंड ये ऐसे खुलता है, ऐसे इसको करते हैं। एंड ये एक मैट की तरह है, वेलकम डोर पे भी लगा सकते हो आप इसको, ठीक है, काफ़ी बड़ा है, अच्छा भी, मोटा भी है गाइस। तो इसको अभी खोल दें गाइस, खोल दें, बताओ। तो देख लीजिए गाइस, देख रहे हो गाइस, नहीं देख रहे हो गाइस, देख रहे हो गाइस, देख रहे हो। तो अभी इसको बहुत दिखा दिया, यो ब्रो। तो गाइज हमारा नेक्स्ट आइटम है 8 स्पोर्ट्स की आने वाली पावर सप्लाई,
ठीक है। एंड ये है कुछ दिखने में ऐसी, एंड ये कुछ दिखने में है पीछे से ऐसी, समझ रहे हो क्या? तो अभी इसकी हम सील को ओपन करते हैं, यहाँ से होगी, यहीं से होगी गाइस। तो ये की हमने पावर सप्लाई को ओपन, एंड ये गाइस बड़ी भारी भारी है, ये क्या चीज़ें हैं, ये क्या है? तो गाइस ये कुछ नट नुट से हैं, ठीक है, ये बाद में देखेंगे हम, ठीक है। एंड ये है हमारी मेन बहुत सामान है और तो ये है गाइस हमारी मेनली पावर सप्लाई, ठीक है। ये अभी पता नहीं कैसे खुलेगी, अभी और चोरी हो जाएगी अगर मैं इसको खोलने लग जाए ना, ठीक है। तो ये देख लीजिए वैसे, अच्छा खुलेगी यहाँ से क्या, चूती हमें। तो ये है गाइस हमारी पावर सप्लाई, दिखने में कुछ ऐसी है, ठीक है। एंड ये इतनी बड़ी पावर सप्लाई है, ठीक है, ये ऐसे तार है इसकी, ये ऐसी है कुछ, ठीक है। एंड इधर से ऐसी दिखती है, यहाँ पे लगेगा वो तार, ठीक है गाइस। एंड ये इसकी पावर केबल है, समझ रहे हो गाइस। ये देखो इसकी पैकिंग कितनी अच्छी है, वैंचू इतनी भारी थी, थक गया है, जान निकाल दी पावर सप्लाई ने, रुको गाइस सांस आने दे। तो गाइस अभी बारी है हमारे मदरबोर्ड की, ठीक है। तो हमारा मदरबोर्ड आप सोच रहे होंगे कौन सा है, तो ये है हमारा मदरबोर्ड ऑरस का आने वाला B450 ऑरस इलाइट गेमिंग मदरबोर्ड। तो इसको थोड़ा अभी जूम में दिखाते हैं आपको। तो ये है हमारा मदरबोर्ड, ठीक है। एंड ये पीछे से इसका बॉक्स लगता है थोड़ा ऐसा, ठीक है। एंड अभी इसकी सील ब्रेक करते हैं हम, एंड ये रही सील। तो गाइज अगर सील ना हो आपके किसी भी कंपोनेंट पे तो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करने का, नहीं तो सामान निकला होता है बीच में से आपकी मार लेते हैं, तो वो नहीं करने का। जो बच्चे देख रहे हैं ना 16-17 साल के, उनको ये स्पेशल है, बाकी बड़ों को भी जिनको नहीं पता पीसी के बारे में इतना, कभी भी सील जिसकी टूटी हो वो एक्सेप्ट नहीं करने का। तो अभी इसको हम ओपन करते हैं, खोलते हैं इसकी सील। तो ये मैंने सील तोड़ दी इसकी, जैसे ये वर्जन था अभी तक, चलो गलत चीज़ों पे नहीं जाने का। ओ माय गॉड गाइस, व्हाट द फक इज दिस, दैट्स द मदरबोर्ड आई डिड वांटेड, आई डोंट नो हाउ टू पिक इट अप, दैट्स सो फसा हुआ मदरबोर्ड। लेट मी कट द ट्राई, देख रहे हो गाइस या क्या मदर बोर्ड है, पीछे से भी दिखाता हूँ, साला गिर भी ना जाए डर ही लगता है। तो ये पीछे से ऐसा था कुछ दिखाना, ठीक है। एंड ये ऑरस का इसका ये है, ठीक है। एंड ये काफ़ी अच्छा मदर बोर्ड है, नीचे भी है कुछ है, तो नीचे क्या है इसमें, अभी ये कैसे खुलेगा। अरे अरे अरे, बड़ी ओपी पैकिंग देते हैं यार आज के टाइम में, मुझको तो नहीं लगा था। तो ये है कुछ क्विक स्टार्ट, जो भी ये एक तो जैसे ड्राइवर वाली सीडीज होती हैं, ठीक है, वो है मदरबोर्ड के ड्राइवर्स एंड ऑल। एंड ये थोड़ी गाइड है कि कैसे करना है, यूजर्स मैन्यू क्या करना है क्या नहीं। एंड ये एक दो नट दिए हुए हैं हमें, कुछ कर सकते हैं इसका, अभी मेरे को नहीं पता क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये HDD वाली केबल है, ठीक है, दो केबल्स हैं इसमें। तो ये मेरे ख्याल से एक सीडी ड्राइव उसकी होती है, सीडी ड्राइव की, एंड एक होती है उसकी क्या कहते हैं, एक और चीज़ बड़ी HDD की, एक और क्या है। एंड इसमें ये क्या है गाइस, व्हाट्स दैट, ये ऑरस का बड़ी ओपी चीज़ है यार, ये तो बड़ी सेक्सी लग रही है, उधर भी दिखा क्या, इधर भी देख लो, ठीक है। तो दो एंगल से ये शूट चल रहा है, जो समझ रहे थे ये कैसे हो रहा है। तो अभी इसको रखते हैं, बाकी बिल्ड के दौरान आपको सब दिखेगा ध्यान से। ये उल्टा डाल रहा हूँ मैं, चला तो गाइस ये सीन अगर ब्लर हुआ तो सॉरी, एक बार दिखाई वैसे आंदा भी, इसलिए जूम आउट करना पड़ेगा, तेरे को रखी ना वापस ले जा, चल दोबारा जाना पड़ेगा, जूम आउट करता हूं मैं। तो गाइस
अगर ये सीन ब्लर आता था, सॉरी, बहुत बड़ा कैबिनेट है अभी मेरे हाथ में, तो इसको दिखाता हूँ अभी तुम्हें कैसा है कैसा नहीं। तो गाइस चलिए दिखाया जाता है। तो गाइस ये है एनटेक का, ठीक है, NX210 प्रोसेसर। गांड फट गई इसको दिखाते दिखाते, समझ रहे हो गाइस ये इसका कुछ गंडू चीज़ें हैं। NX कुछ पता नहीं, टेम्पर ग्लास साइड पैनल टट्टी टुट्टी दिखाता हूँ अच्छे से ये भी। तो गाइस ये देखिए, इसमें ये लगी हुई है पन्नी सी, इसको उतारता हूँ मैं, एक सेकंड देख लीजिए पहले। वहाँ पर रख देता हूँ, यहीं पर उतार देता हूँ, इसमें काफ़ी बड़ा है ना, बड़ा मोटा है गाइस ये मैं हेल्प कर दूँ। और ये मेरे ब्रदर ने यहाँ पे हेल्प की गई मेरे हिसाब से। तो ये ऊपर वाली साइड है, ये पीछे वाली साइड है जिसको तू ऊपर वाली बोल रहा है ना, वे देख रहा ऊपर से कैसा लग रहा है। ये ऊपर वाली साइड मेरे पे फोकस है ना, दिस इज ऊपर वाली साइड, दैट्स ऊपर, दैट्स बैक, व्हिच यू आर सेइंग दैट दैट्स बैक साइड। व्हाट्स दिस गाइस? दैट्स जाली गाइस, वी विल शो यू। मैग्नेटिक जाली गाइस, मैग्नेटिक जाली गाइस, दिस कैबिनेट इज फकिंग ऑसम। पक डेट पत्ती असाइड। तो गाइज मैं अभी दिखाता हूँ आपको ये कैसा है हर साइड से। ये मैग्नेटिक जाली को एक मिनट हटा दिया जाए प्लीज, ताकि ये छुट आए ना। तो ये है इस साइड से, ठीक है, एंड अभी ऊपर से तो तुम लोगों ने देख ही लिया, इधर मेरी थोड़ी हेल्प करना। जी जी, गुड गेम, गुड गेम। तो गाइज ये है इसका टेम्पर्ड ग्लास, ठीक है, RGB तीन फैंस आई गेस इसमें, RGB पता नहीं है कि नहीं, राइट RGB या RGB फैंस है तीनों, ठीक है। तो अभी फोर फैंस हैं, थ्री इन फ्रंट वन इन बैक, थ्री इन फ्रंट एंड वन इन बैक, ठीक है। तो अभी ये इतना ही दिखाऊंगा, ये बाकी एंड में दिखाते हैं बनने के बाद कैसा लगता है, ठीक है गाइज। तो नेक्स्ट हिंग राइजन 530 सेंटर। तो गाइज दिस इज़ द लास्ट थिंग बट नॉट द लीस्ट, सो अभी ये आपको ये भी दिखाते हैं, ठीक है। ये है हमारा AMG Ryzen 5 3600, ठीक है, सबसे बिकने वाला प्रोसेसर, सबसे सस्ता बट महंगा होने वाला प्रोसेसर, बड़ी मुश्किलों से मिलने वाला प्रोसेसर, एंड ये है वो प्रोसेसर, एंड आप देख पा रहे हैं मेरे को उसके तरह, एंड वो न्यूज़ वाले जो वो नहीं होते क्या बोलते रहते हैं वो शाहदाबाद, एंड ये वो लोकेशन वगैरह बोल के, एंड आप देख रहे हैं ये वो, एंड कैमरामैन जयदीप के साथ वरुण सचर गेमिंग। तो गाइज अभी इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। चाकू कहाँ है? चाकू दूर है थोड़ी, ठीक है। तो ये कैसा लग रहा है, ठीक है, चाकू को रख लेते हैं साइड में तुम्हें, एंड ये आपको हम दिखाते हैं पीछे से भी। तो ये लग रहा है बड़ा ओपी गाइस, एंड ये इसकी सील है गाइस, ठीक है, बिना सील के नहीं लेना कुछ भी, फिर से बोल दे रहा हूँ। एंड ये इसका MRP है 27,000 कुछ, ठीक है, इधर उधर हो जाए तो थोड़ा वीडियो को घुमा घूम के देख लेना। 27,000 इस पर प्राइस लिखा हुआ है, बट ये मेरे को आपको पता चल जाएगा कितने में मिला, मैं टेक्स्ट में डाल दूँगा हर चीज़ का प्राइस, ठीक है। एंड ये अभी इसको हम खोलते हैं इसकी सील, एंड ये सील खोल दी, एंड गाइस सील के बिना नहीं एक्सेप्ट करने का, ठीक है, बड़ी मुश्किल से खुलती हैं यार। एक तो ना ये चीज़ें भी एंड पता नहीं कैसी पैकिंग है, फटी हुई है मेरी ना, मैं बहुत थक गया हूँ गाइस आज। तो ये अपना कूलर है इसका, ठीक है, ये कूलर दिखा देता हूँ, कराया जाता है साइड, कूलर नहीं वैसे इसको पंखा कहा जाता है, फैन कूलर लेवल। तो ये देख लीजिए गाइस, ठीक है, ये है, बाकी बिल्ड में दिखा देंगे अच्छे से, निकाल के दिखाऊंगा, ये देख लो, ठीक है। तो अभी दिखाते हैं प्रोसेसर मेनली कैसा है दिखने में, कैसा दिखता है, क्या चीन है, क्या चीन है, क्या चीन गाइस। तो ये है अपना AMD Ryzen गांड फाड़ प्रोसेसर, ठीक है, ये बड़ी मुश्किलों से खरीदा है गाइस, पीछे ये दिखता है एंड यही लगता है, ठीक है, जहाँ पे भी लगना है, एंड ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, एंड ऐसा है, ठीक है गाइस। तो अभी मिलते हैं अगले कट पे, बिल्ड करना हुआ दिखाते हैं कैसा दिखता है कैसा नहीं, ठीक है। तो गाइस सी यू इन अ पिट। तो गाइस अभी दिखाते हैं हम आप लोगों को
सबसे बेस्ट चीज़ जिसमें पीसी की गांड रहती है, ठीक है, तो ये है WD की साटा SSD 240 GB 2400 रुपये की थी, बाकी अमेज़ोन के आपको वो भी दे दूँगा, ठीक है। तो ये दिखाता हूँ ये कितने की है, इसको निकाला जाए, ये ऐसी देख लो, ठीक है, ये मेरी पुरानी SSD है, ठीक है। एंड क्या कहते हैं, ये दिखने में कुछ ऐसी है, ठीक है, WD कंपनी है एंड साटा SSD है, सॉलिड स्टेट ड्राइव 240 GB में, जिसमें विंडो होती है, ठीक है। एंड ये 2400 के 2600 के आसपास आई थी, एंड इसका गाइस प्राइस भी आपको मिल जाएगा। गाइस अभी चलिए बिल्ड करते हैं।
गाइस आप सोच रहे होंगे पहले तो Zotac का कार्ड डाल रहे थे GT730 DDR5 एंड अभी डाल रहे हैं गैलेक्सी का 1050 Ti GTX 1050 Ti। तो ये क्या सीन हुआ? तो गाइस ये सीन हुआ कि जब हम रात को ऑन करके देख रहे थे पीसी को तो ग्राफिक कार्ड चलाने स्क्रीन आई रही हमारी, तो हम जिनसे हमने संभाल लिया था HK कंप्यूटर्स तो उनको हम दिखाने लगे ये भी क्यों नहीं चल रहा। तो वहाँ पे हमारा जो Zotac का कार्ड था ग्राफिक्स कार्ड वो निकला ख़राब, तो एट अ टाइम हमें दूसरा ग्राफिक कार्ड लेना पड़ा क्योंकि उसके बिना चलता नहीं था। एंड ये मदरबोर्ड में दूसरी वो भी नहीं थी, क्या कहते हैं, VGA केबल का पोर्ट, तो ऐसे चल नहीं सकता था। मेरी स्क्रीन जो मॉनिटर है वो VGA वाला है, तो ये सीन था। एंड ग्राफिक कार्ड तो कोई तो चाहिए था, तो 1050 Ti ले लिया एंड वो हमारे लिए बढ़िया भी हो गया बट खर्चा काफ़ी हो गया। तो यार सुपर चैट डोनेशंस जीपे पेटीएम सब कुछ जरूर करो यार, ठीक है। कोई प्लान नहीं था वैसे ग्राफिक कार्ड अभी लेने का, वो थोड़े टाइम के लिए छोड़ दिया था। तो मैंने इधर उधर से लेके वैसे ग्राफिक कार्ड लिया एट द टाइम। तो गाइज बस यही था ग्राफिक कार्ड वाला सीन, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया ताकि तुम लोगों को समझ आए ये क्यों हुआ, कैसे हुआ एंड क्या हुआ, ठीक है। तो लाइक कर लेना, ठीक है। ਉਹ ਬਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਅਲ ਉਹ ਤੇਜ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਸਿਮਰ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਿਉਂ ਅੱਛਾ ਉਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਸਕੀਮੀ ਆ ਪੂਰਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਸਰ ਐਂਡ ਗਾਇਸ कोई भी गेम कोई जो भी गेम आप मेरे को खेलता देखना चाहते हो वो मेरे को ज़रूर बताओ, ठीक है। एक मैं चॉइसेस दे देता हूँ, कुछ असैसिन्स क्रीड, वलहल्ला, साइबर पंक, GTA 5, फोर्टनाइट। एंड गाइस कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएंगी एक आधी और गेम, तो वो कम्युनिटी टैब पे जाके यार ज़रूर अपनी कीमती वोट दो, ठीक है, फिर उस हिसाब की गेम खेलेंगे। एंड वैलोरेंट भी आपके लिए एक चॉइस, तो ज़रूर वोट करना यार पोल का। देखता हूँ अगर कार्ड दे सका तो ऊपर वीडियो में दे दूंगा कार्ड, तो उसी से सीधा चले जाना, ठीक है, बट ज़रूर वोट करना। यो गाइस सो ऑब्जेक्शन वरुण सच्चे गेमिंग, ये बिल्डिंग माय पीसी वाले वीडियो यहीं तक थी, हमारा साथ यहीं तक था, अभी गेम्स में आएंगे, ठीक है, फेस कैम के साथ। एंड गेम्स सजेस्ट करो यार, कौन सी देखनी पसंद करते हो, बस कोई पैसे वाली गेम करोगे तो सुपर चैट करने के लिए तैयार रहना क्योंकि मैं तो गरीब हो चुका हूँ, मैं पहले ही गरीब था, ठीक है। एंड गाइस इस वीडियो को लाइक कर दो यार, बहुत मेहनत लगी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर दो। एंड कमेंट्स में कुछ भी लिखो, बस लिखो एंड शेयर कर देना यार इस वीडियो को दोस्तों के साथ। एंड गाइस मेरा बिल्ड देख के बिल्ड करने की कोशिश मत करना, बहुत मेहनत वाला काम है ये, ठीक है। पैसे दे के 600-700 रुपया दे के बिल्ड करवा लो, बिल्कुल सही हो जाएगा। नहीं अगर आप अच्छे पहली दूसरी बार कर रहे हो, मैंने तो पहली बार करा था, मेरा हो भी गया था अच्छा, बट ग्राफिक कार्ड मेरा सही नहीं निकला तो फिर मेरे को सारा सेट करना पड़ा, ठीक है, फिर से। एंड गाइस तो कुछ ख़राब कर दोगे तो मेरे को मत आके कहना, अपनी जिम्मेवारी पे करना अगर करोगे, ठीक है। वैसे तो मत ही करना क्योंकि महंगा महंगा सामान आता है, पीसी का प्रोसेसर, मदरबोर्ड, हर चीज़ महंगी आती है, कुछ भी ख़राब हो गया तो आपका नुकसान होगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। तो मैं एक बार सजेशन दे रहा हूँ, बाकी आपकी इच्छा, ठीक है, पैसे दे के ही करवा लेना, ठीक रहोगे।
तो गाइज इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, एंड नए बंदे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लो, एंड जो बिना सब्सक्राइब करे देखते हैं वो भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर दो, एंड शेयर कर देना इस वीडियो को। सो गाइज यो गाइज आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्विच गेमिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, एंड बाय बाय मेरे दोस्तों। सो गाइज बाय, सायोनारा। आपको मेरा एंड मेरे भाई का इंस्टाग्राम दिख जाएगा, ठीक है, तो गाइज फॉलो कर लेना अगर दिल हुआ, एंड एक्सक्लूसिव कंटेंट देखने को मिल जाएगा इंस्टा पे, एंड डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट दोनों जगह पे इंस्टा मिल जाएगा। सो जरूर चेकआउट करना गाइस, ठीक है।